स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम नेक्स्ट डिजीज जो है वो डिस्कस करते हैं। हमारी नेक्स्ट डिजीज है डायबिटीज। सो डायबिटीज जो है ये एक बहुत डेंजर डिजीज है। ओके, इसके साथ क्या है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उनको फेस करना पड़ता है। ये किसी भी एज में हो सकती है, यंगस्टर्स को भी हो सकती है, ओल्ड एज पीपल्स को भी हो सकती है, बट मोस्टली जो है वो ओल्ड एज पीपल्स जो हैं वो इसको ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसमें इस प्रॉपर्टीज में हमारे ब्लड स्टेम्स में शुगर जो है वो बिल्डअप हो जाती है। जनरली क्या होता है कि जो शुगर है, ठीक है, ये हमारे बॉडी सेल्स इसको कंज्यूम कर लेते हैं, फिर ये ग्लूकोज में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज बनता है तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। बट डायबिटीज में क्या होता है, हमारी जो शुगर है वो कंज्यूम नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाती, जिसके साथ क्या है, हमारी बॉडी में शुगर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के जो रिस्क फैक्टर है, इसमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही हम डिस्कस करेंगे। बोथ आर सिमिलर, कुछ हद तक सेम है। सो टाइप 1 जो रिस्क फैक्टर है उसमें क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री एज की पेरेंट्स टू चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमारी वायरल इलनेस जो है वो आ जाती है, ठीक है, किसी तरह की कोई बीमारी है उसके कारण भी टाइप 1 डायबिटीज जो है वो हो जाती है। हमारा जो नंबर 3 आता है वो हमारे पास आता है जियोग्राफिकल, ठीक है, भूगोलिक, ठीक है। ज्योग्राफिकल में क्या आता है, जैसे हमारी कुछ कंट्रीज है, फिनलैंड हो गई, स्वीडन हो गया, ठीक है, वहां पे टाइप 1 डायबिटीज जो है वो बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में सबसे पहले हमारी एज आती है, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है तो उसका रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है टाइप 2 डायबिटीज का। सेकेंड हमारे पास आता है वेट। आपके अंदर जब आपकी बॉडी में फैटी टिश्यूज ज्यादा होंगे और आप ओवर वेट हो गए, ठीक है, तो उसके कारण भी टाइप 2 का जो है रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री एज वी डिस्कस्ड इन अ टाइप 1 कि ये पेरेंट्स टू चाइल्ड ऐसे चलती आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इनएक्टिविटी। मींस अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, किसी तरह का कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हो, देन ऑल्सो देयर इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज टाइप। डायबिटीज के कारण हमारी बॉडी में जो पैनक्रिया है वो इनफ इंसुलिन जो है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। अगर वो कई बार प्रोड्यूस करता भी है तो क्या है, वो इतना इनफ सफिशिएंट नहीं होता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसके कारण हमारा शुगर लेवल हमारी बॉडी में मेंटेन रहता है, और अगर इसकी कमी हो जाए, ठीक है, या इसकी प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाए, तो इसके साथ क्या है, हमारी जो शुगर है वो ग्लूकोज में ट्रांसफर नहीं हो सकती, जिसके कारण हमारी बॉडी में शुगर का जो लेवल है वो हाई हो जाता है। मींस दिस कॉजेस शुगर टू राइज, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं, मींस हाई ब्लड शुगर। सो नाउ वी विल मूव टू आर आसन्स, कि कौन से ऐसे आसन्स हैं जिनको हम कंटिन्यू करते हैं और हमारा जो डायबिटीज है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग आ रही है आपके पास, जिसमें आप देखोगे कि ये वाला आसन है, इसके बेनिफिट्स क्या है, कौन से आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है, और किन किन लोगों को उस आसन को अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक वीडियो क्लिप दिखाया जाएगा जिसे आप देखोगे कि वो प्रोसीजर आसन को करने का क्या है, और उस प्रोसीजर को आप बहुत ध्यान से देखिए, और उसको देखने के बाद आप अपनी लैंग्वेज में, जरूरी नहीं है कि वॉट एवर आई एम सेइंग वही आपको लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में कि वो कैसे उस पोज में आ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे झुक रहा है, कैसे होल्ड कर रहा है, ठीक है, वो आप अपनी लैंग्वेज में अपने एग्जाम में लिख सकते हो। तो इसके साथ क्या है, आपका जो ये आसन्स वाला जो टॉपिक है वो आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए क्लास में चलते हैं और आसन्स को देखते हैं कि आसन्स कौन कौन से हैं और हम कैसे उनको करते हैं। पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान का अर्थ है पश्च भाग को तानना। संस्कृत शब्द पश्चिमोत्तान का अर्थ है पिछला या पश्चिम, और उत्तान का अर्थ है खींचना या तानना। इस आसन के साथ हम अपने शरीर के पिछले भाग की मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, मींस तानते हैं, इसीलिए इस आसन को पश्चिमोत्तान आसन कहा जाता है।
तो चलिए देखते हैं इस आसन के क्या क्या हमें बेनिफिट्स होते हैं। ये आसन हमारी स्पाइनल कोर्ट में जो है वो स्ट्रेच लेके आती है, जिसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। ये हमारे स्टमक के मसल्स को और बैक के मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है। इसके साथ हमें स्केटिका एंड बैक पेन इन प्रॉब्लम से भी रिलीफ मिलता है और हमारी डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होता है। इसके साथ हमें एंग्जाइटी हेडेक इनसे भी रिलैक्स मिलता है। अब कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हमें पता होने चाहिए इस आसन को करने से पहले? डू नॉट बेंड नीज वाइल टचिंग द फोरहेड विद द नीज। जब आप ये आसन कर रहे होते हैं तो आपके जो नीज हैं वो बेंड नहीं होने चाहिए और आपके जो मसल्स हैं वो टाइट नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा जर्क और स्ट्रेन के साथ इस आसन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नाउ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, सफरिंग फ्रॉम अल्सर इन एब्डोमिन, हार्ट डिजीजेस, स्केटिका, इन सबको इस आसन को करने से परहेज करना चाहिए और प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। पश्चिमोत्तान आसन करने की विधि। सबसे पहले अपनी टांगों को सामने फैलाकर बैठ जाएं, फिर अपनी कोहनियों को मोड़कर बॉडी को आगे की तरफ बेंड करें और इंडेक्स फिंगर से हुक बनाकर अपने टोज को पकड़ें। फिर सिर आगे की तरफ झुकाकर आर्म्स के बीच रखें, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, और 5 से 10 सेकंड तक ऐसे ही रहें। ध्यान रहे आपके नीज बेंड नहीं होने चाहिए। फिर धीरे धीरे आप सिर ऊपर उठाएं और टोज को छोड़कर वापस पहले वाली पोजीशन में आ जाएं। भुजंग आसन दो शब्दों के मेल से बना है, भुजंग और आसन। संस्कृत भाषा के शब्द भुजंग का अर्थ सांप होता है और आसन का अर्थ पोजीशन, पोस्चर या फिर मुद्रा। इस आसन में जब हम लास्ट वाले स्टेप में होते हैं तो हमारा शरीर एक फन फैलाए हुए सांप की तरह दिखाई देता है, एक कोबरा की तरह दिखाई देता है। इसीलिए इस पोस्चर को हम भुजंग आसन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं भुजंग आसन के क्या क्या फायदे होते हैं। भुजंग आसन हमारी स्पाइनल कोर्ड को बहुत इफेक्ट देता है, इसे फ्लेक्सिबल बनाता है। ये हमारे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। ये आसन करने से हमारे पेट के अंदर जो है प्रेशर जो है वो बढ़ता है, जिसके साथ हमारे लीवर, किडनी, इनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है और ये इफेक्टिव होते हैं। ये हमारे बॉडी और माइंड दोनों को ही रिलैक्स करता है। इसके साथ हमारी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी होती है और हमारी आर्म्स एंड शोल्डर स्ट्रांग होते हैं। तो अब बारी आती है प्रिकॉशंस की, हमें क्या क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए जब हमें ये आसन परफॉर्म करना हो। सबसे पहले आपको मिनिमम वेट जो है आपके हैंड्स के ऊपर रखना है। ट्रंक जो है आपकी वो रेज होनी चाहिए अप टू नेवल, आपकी नाभि तक सिर्फ। अपनी जो एल्बोज को है बहुत ज़्यादा स्प्रेड आपको नहीं करना है। अब बारी आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। जो सफ़र कर रहे हैं अल्सर, हर्निया, एब्डोमिनल पेन, उनको ये आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। इवन प्रेग्नेंट वुमन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। भुजंग आसन करने की विधि। भुजंग आसन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर पेट के बल लेट जाएं, आपके दोनों पैर एक दूसरे के पास लाएं और आपकी आर्म्स आपके साथ होनी चाहिए।
माथा जमीन के साथ लगा हुआ होना चाहिए। धीरे धीरे चिन को फर्श पे लगाएं और अपनी आर्म्स को अपने शोल्डर लेवल तक लेके आएं। कोहनियाँ मुड़ी हुई होनी चाहिए। धीरे धीरे अपने सिर, गर्दन और शोल्डर को ऊपर की तरफ उठाएं और 5 से 10 सेकंड तक या जितनी देर तक आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल रहें तब तक आप इस पोजीशन में बने रहें। फिर इस पोजीशन से आपको धीरे धीरे वापस आना है। आप धीरे धीरे गर्दन, शोल्डर और सिर को नीचे लेके आएं। आपका फोरहेड जमीन के साथ टिकाएं, आपकी आर्म्स आपकी साइड्स पे होनी चाहिए और फिर रिलैक्स कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब पवन मुक्त आसन करते हैं। पवन मुक्त आसन जो है, इसका संस्कृत का वर्ड पवन जिसका मीनिंग वायु है और मुक्त जिसका मीनिंग छोड़ना है, इसीलिए इस आसन को पवन मुक्त आसन कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे पेट और हमारे इंटेस्टाइन्स में फंसी हुई गैस को रिलीज करने में हमारी हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। इंक्रीजिंग डाइजेस्टिव पावर एंड टोन आर्म लेग मसल्स, ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और हमारी लेग मसल्स आर्म्स को भी टोन करता है। इट हेल्प्स इन रिलीजिंग ट्रैप गैस फ्रॉम द स्टमक, ओके। इसके साथ क्या है, हमारी लोअर बैक जो है वो भी स्ट्रेच हो जाती है। इट हेल्प टू डील कॉन्स्टिपेशन बाय स्टिमुलेटिंग द एब्डोमिनल रीजन, हमारी कॉन्स्टिपेशन कब्ज जैसी प्रॉब्लम जो है उससे भी हमें पवन मुक्त आसन जो है वो रिलीफ देता है। अब कौन से हमें सावधानियां रखनी चाहिए जब हमें ये आसन करना है, डू नॉट शेक द बॉडी एंड अवॉइड जर्क। हमें अपनी बॉडी को, जब हम पोज में होते हैं तो हमारी बॉडी को हमें शेक नहीं करना है और ना ही उसे आसन को जर्क के साथ परफॉर्म करना है। नीज जो है वो इकट्ठे होने चाहिए, ठीक है, जब हम चेस्ट के ऊपर प्रेस कर रहे हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसके, सफरिंग फ्रॉम द स्वेयर बैक पेन माइग्रेन, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। और प्रेग्नेंट वुमेन्स ऑल्सो अवॉइड दिस आसन। पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं, टांगे आपस में मिली हुई होनी चाहिए, हाथ शरीर की साइड में और आपकी दोनों हथेलियां आपके पाम्स फर्श के ऊपर टिके हुए होने चाहिए। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी दोनों लेग्स को नीज से मोड़कर पेट पर ले आएं, नीज को आर्म्स के साथ पकड़कर पेट पर दबाएं, फिर सांस छोड़ते समय सिर को उठाकर चिन को नीज के साथ लगा दें, वीडियो में जैसे आप देख सकते हो। और जब तक आप इस पोजीशन में रह सकते हैं, इस पोजीशन में बने रहिए। फिर धीरे धीरे अपने सिर को नीचे की तरफ ले आएं और अपनी लेग्स को सीधी करके रिलैक्स। अर्थ मत्स्येंद्र आसन, ये आसन मत्स्येंद्र योगी के नाम पर रखा गया आसन है जिसका मीन आधा होता है। मत्स्येंद्र आसन की कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से इसके, इस आसन के साथ हमारी स्पाइनल जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इस आसन को करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इट स्टिमुलेट्स लीवर, स्प्लीन एंड पैनक्रियास, ये आसन जो है ये हेल्पफुल होता है हमारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइजिस जैसी प्रॉब्लम्स के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, और अगर मेंसुरेशन डिसऑर्डर हो या फिर कोई यूरिनरी ट्रैक डिसऑर्डर हो तो ये सारे जो है वो इस आसन को परफॉर्म करने से जो है वो क्योर होते हैं। स्टिमुलेट्स फंक्शन ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट की फंक्शनिंग को भी ये इफेक्ट करते हैं। इट इज बेनिफिशियल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ द शोल्डर्स, हमारे शोल्डर्स की मूवमेंट जो है वो इसके साथ
इम्प्रूव होती है। प्रिकॉशंस हमें क्या लेने चाहिए इस आसन को परफॉर्म करते वक्त? ट्विस्ट स्पाइन विद आर्म सपोर्ट, अपनी स्पाइन को हमें आर्म की हेल्प के साथ ही ट्विस्ट करना चाहिए। आपने वीडियो में इसे बहुत क्लियरली देखा होगा कि कैसे हम आर्म की सपोर्ट के साथ अपनी स्पाइन को ट्विस्ट कर रहे हैं। जर्क नहीं देनी है, किसी तरह का कोई झटका जो है वो आपने अपनी स्पाइन को नहीं देना है। और आपको इस आसन में बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में ही बैठना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इसके क्या है? जो इंडिविजुअल अल्सर, हर्निया, आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहे हैं उनको ये आसन सुजेस्टेड नहीं है। इवन प्रेग्नेंट वुमन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने के लिए सबसे पहले आप अपने पैरों को सामने की तरफ फैलाकर बैठ जाएं। फिर आप लेफ्ट नी को मोड़कर बैठ जाएं और राइट पैर को पकड़कर नी से मोड़ें और अपने लेफ्ट हिप के पास रखें, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद आप अपनी राइट आर्म को लेफ्ट नी से घुमाकर लाएं और लेफ्ट पैर को पकड़ें। इसके बाद लेफ्ट आर्म पीछे की तरफ अपनी कमर तक ले जाएं और वहां से पकड़ें और सिर को भी लेफ्ट साइड पे ही घुमाकर रखें। 5 से 10 सेकंड्स तक इस पोजीशन में रहने के बाद धीरे धीरे अपने सिर को टर्न करके आप अपनी पहले वाली पोजीशन में वापस आ जाएं। So that's all for today's video. In next video, we will discuss about asthma and related asanas. So if you like my video, please share, subscribe. Thank you.